सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने नया कीर्तिमान बनाया है। उन्होंने 2.80 लाख अधिक वोटों से भाजपा के रघुराज सिंह साके को हराया है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ डिंपल यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से पहली महिला सांसद बन गई है। सपा से डिंपल यादव और भाजपा के रघुराज सिंह साके समेत 6 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे। गुरुवार की सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हुई। शुरुआत से ही डिंपल यादव ने बड़ी बढ़त बना ली थी, जो मतगणना खत्म होने के बाद बड़ी जीत में बदल गई। डिंपल को 6,17,625 वोट मिले हैं, जबकि रघुराज सिंह को 3,29,489 वोट मिले। इस तरह डिंपल ने करीब 2,88,136 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी को हरा दिया है। बता दें कि 1996 के बाद मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और इसके बाद अब तक समाजवादी पार्टी कहीं भी इस सीट से नहीं हारी है। मैनपुरी लोकसभा सीट के 3 चुनाव में 4 बार महिला प्रत्याशी भी लड़ी, लेकिन जीत का ताज इससे कोसों दूर रहा। 2004 के उपचुनाव में जहां कांग्रेस के टिकट पर सुमन चौहान ने चुनाव लड़ा था, तो वहीं 2009 में भाजपा की तरफ से साके और 2014 में बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर संगमित्रा मौर्य और निर्दलीय प्रत्याशी रायेश्वरी देवी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई भी महिला प्रत्याशी नहीं जीत सकी।